नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में मरीज को देखने आए तीमारदार ने अस्पताल की नर्स को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद नर्स का सिर दीवार से जा टकराया और नर्स के सिर में चोट आ गई। मामले में पुलिस अस्पताल पहुंचती उससे पहले ही आरोपी तीमारदार मौके से फरार हो गए। बता दें कि मरीज की तीमारदार द्वारा एक नर्स की पिटाई किए जाने के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। वहीं नर्स के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में अस्पताल प्रशासन द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर चौकी स्थित विनय विशाल अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नूरजहां नामक वृद्ध महिला है जो हमारे यहाँ भर्ती थी, जिनका उपचार चल रहा है कमरा नंबर 203 में। हमारी एक स्टाफ जो कि कॉरिडोर में चल के जा रही थी, उसे मरीजा के परिजन ने आके बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उससे बहुत अश्लील हरकत है, जो कि बहुत ही गलत है। और अस्पताल प्रशासन इसके विरुद्ध हर जगह जाने को तैयार है, क्योंकि ये हमारे स्टाफ का मनोबल कम करता है। कोई भी फिर स्टाफ आगे सेवा नहीं करेगा अगर मरीज के परिजन स्टाफ को, जो नर्सिंग स्टाफ है जो सेवा दे रहा है वहाँ पे, उन्हें थप्पड़ मारेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी असहनीय है। सर, ये मामला छेड़छाड़ का है या मारपीट का है? सर, वो लड़की अभी होश में नहीं है, जैसे ही होश में आएगी तब वो एग्जैक्ट बता पाएगी। वो अभी भी हमारे HDU में भर्ती है, उसका CT स्कैन हो रहा है, तो एग्जैक्ट जो है वो बता पाएगी। वीडियो में देखने पे ये आ रहा है कि उसे दबोचा गया और उसे थप्पड़ मारे गए। चमोली में BJP कार्यकर्ताओं और BJP जिला अध्यक्ष ने PM मोदी के राजनीतिक कार्यकाल के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चमोली के 9 ब्लॉकों में कई कार्यक्रम किए। वहीं दूसरी ओर नंदप्रयाग नगर पंचायत में भी प्रधानमंत्री के शासनकाल के 20 साल पूरे होने पर BJP नगर मंडल नंदप्रयाग द्वारा नंदप्रयाग संगम तट पर नगर पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर हिमानी वैष्णव के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर BJP कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्पण के तहत नगर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प भी लिया है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संगम तट पर सफाई अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 20 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि राजनीतिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर जगह जगह तमाम कार्यक्रम BJP कर रही है और इसी तर्ज पर चमोली में भी ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिली। चमोली में BJP कार्यकर्ताओं और BJP जिलाध्यक्ष ने PM मोदी के राजनीतिक कार्यकाल के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चमोली के 9 ब्लॉक में कई कार्यक्रम किए। वहीं दूसरी ओर नंदप्रयाग नगर पंचायत में भी प्रधानमंत्री के शासनकाल के 20 साल पूरे होने पर BJP नगर मंडल नंदप्रयाग द्वारा नंदप्रयाग संगम तट पर नगर पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर हिमानी वैष्णव के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस मौके पर BJP कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्पण के तहत नगर को साफ बनाए रखने का संकल्प भी लिया है और तमाम कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि अलग अलग जिलों में वो लगातार इस सफाई अभियान को आगे सुचारू रखें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अपने कुशल 20 साल के शासक काल के आज 20 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलकनंदा नदी के किनारे सफाई अभियान किया और तत्पश्चात जितने भी लाभार्थी थे चमोली बूथ पर, उन कार्यकर्ताओं ने, उन लाभार्थियों ने मोदी जी के नाम धन्यवाद का पत्र दिया है। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के अनेक योजनाओं को चलाया है और गरीबों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया है, इस बात के लिए मोदी जी का धन्यवाद भी किया है। और सभी कार्यकर्ता श्री बद्रीनाथ अलकनंदा के शीर्ष स्थल से लेकर के और हमारे विष्णुप्रयाग, तत्पश्चात नंदप्रयाग, उसके बाद जो है कर्णप्रयाग, ऐसे ही हम 71 किलोमीटर लंबे श्रृंखला में हमारे सभी कार्यकर्ता जगह जगह सफाई अभियान, जागरूकता अभियान और मोदी जी को धन्यवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज नंदप्रयाग संगम पर भारतीय जनता पार्टी मंडल नंदप्रयाग के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा सेवा ही समर्पण कार्यक्रम अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इसमें इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत नंदप्रयाग मंडल के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान किया और अपने नगर को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभाई।
सेवा ही समर्पण अभियान के तहत आज भाजपा मंडल नंदप्रयाग में नंदप्रयाग संगम पर सफाई अभियान चलाया गया। सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। डोईवाला के राजा जी नेशनल पार्क में वन्य जीव सप्ताह के समापन कार्यक्रम का रामगढ़ रेंज में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शिरकत की। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और वन विभाग द्वारा मातृ गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। लेकिन वन मंत्री हरक सिंह रावत के अथक प्रयासों से पहली बार इस सप्ताह के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को भी सम्मिलित किया गया और इन छात्रों को वन्य और वन्य जीवों के महत्व को बताया गया है। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि छात्रों को भी वनों की पूर्ण जानकारी मिल सके, इसके लिए वन विभाग छात्रों को जानकारी दी गई है और स्कूलों में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गई, ताकि छात्र छात्राएं नजदीकी से वनों के महत्व को जान सके, समझ सके। एक अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम पूरे देश के अंदर वन्य जीव सप्ताह का मनाते हैं। शुरू में ये केवल खाना पूर्ति होता था, केवल अनौपचारिकता निभाते थे, लेकिन अब हमने पहले केवल वन मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होते थे। जब से मुझे वन मंत्रालय उत्तराखंड में मिला है, मैंने कहा कि लच्छीवाला में होना चाहिए, जू में होना चाहिए, किसी जंगल में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, और इस बार ये राजा नेशनल पार्क के बिल्कुल जंगल के अंदर इस तरह का कार्यक्रम का समापन आज हो रहा है। कोरोना महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और हमने महसूस इन जंगलों के महत्व को कोरोना महामारी ने हमको और ज़्यादा कराया है। इन जीव जंतुओं के महत्व को कोरोना महामारी ने हमको और महसूस कराया है, और इसलिए इस जंगल को भी सुरक्षित रहें, तभी जल मिलेगा, तभी ऑक्सीजन मिलेगी, इन जीव जंतुओं को भी सुरक्षित रखेंगे तभी हमको जीवन मिलेगा। ऋषिकेश में चंद्रभागा यात्री विश्राम गृह में देवस्थानम बोर्ड हाई पावर कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो मेरी भीतर सबसे बात हो जाए, सबके जीव जा जाए और उनकी अगर सहायता हो सकती हो तो उसका भी रास्ता निकाल के, इसमें एक में है कि जहाँ साधन नहीं है उनकी वो बोर्ड व्यवस्था करेगा, तनख्वाह दूसरी चीज़ें है इसमें, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत लोग इन चीज़ें पढ़ ही नहीं लोगों ने, क्या लाभ लगता है देवस्थानम बोर्ड से, क्या लाभ होने वाला है लोगों को? लाभ तो भैया यात्री के लिए, यात्री की सुविधा जो अब सीमित करके बद्रीनाथ तक सीमित हो गई है। किसी काल में जो देवप्रयागी थे वो मनबाड़, भुसावल, दिल्ली, बनारस, अयोध्या, लखनऊ से यात्री को गाइड करते थे, हरिद्वार इसके लाभ तो वहीं पहुँचते सर। अब यात्री की सुविधा, यात्री यात्रा बढ़ेगी, उसकी सुविधा के लिए जो सुविधाएँ होनी, आवास चाहिए, फलाना चाहिए, सुविधाएँ चाहिए, मार्ग चाहिए। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में भोपाल नर्सरी के पास एक जेसीबी मशीन 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें कि जेसीबी में दो युवक सवार थे जो सतपुली से पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, तभी भोपाल नर्सरी के पास जेसीबी अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक को मामूली चोटें आई हैं, जो खुद ही जैसे तैसे पैदल चलकर खाई से बाहर आया, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से, जहाँ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाए हैं। बताया जा रहा है कि जेसीबी 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, ऐसे में दो युवक जेसीबी में सवार थे, जिनमें से एक को गंभीर चोटें आई हैं, एक की हालत ठीक बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से घायल को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया है। लक्सर में लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने लस्कर तहसील के उपजिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक की।
इस दौरान संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक के बाद उपजिलाधिकारी लक्सर वैभव गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में लगातार कुछ समय से अवैध खनन की काफी शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें खनन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, चौकी प्रभारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि शिकायतों को देखते हुए उनके द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो संयुक्त टीम बनाकर अवैध खनन की रोकथाम के लिए अभियान चलाएं। लक्सर उपजिलाधिकारी का कहना है कि अवैध खनन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उन पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जहां कहीं भी अवैध भंडारण पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर उपजिलाधिकारी ने यह अभियान चलाया और इसको लेकर एक बैठक भी की है और तमाम दिशा निर्देश भी तमाम पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं। क्षेत्र में लगातार कुछ समय से अवैध खनन की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, उस संबंध में आज एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें हमारे खान अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और जो विभिन्न चौकी क्षेत्र हैं उनके प्रभारी, चौकी प्रभारी हैं और हमारे नायब तहसीलदार और कानून गुप्त थे, वो सब बैठक में थे। तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि इन सब शिकायतों को देखते हुए अपनी संयुक्त टीम बनाएँ, अभियान चलाएँ और इस प्रकार के पूरे खनन को पूरी तरह से इसको रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें जो भी संबंधित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें और जो भी इस तरह के अवैध भंडारण या पाए जाते हैं उनके खिलाफ पेनल्टी कार्रवाई की जाए और अवैध जो परिवहन गाड़ियां कर रही हैं और जेसीबी भी खनन में पाई जाती हैं तो उनको सीज करके उनकी विरुद्ध कार्रवाई की जाए। रुड़की के गोल भट्टा मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर तीन लोगों ने एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सिविल अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित भीड़ ने वहां पर आए एक युवक की भी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह युवक को आक्रोशित भीड़ से बचाया। बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गोल भट्टा मोहल्ले में घर के पास ही एक दुकान के बाहर हिस्ट्री शीटर के तीन युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद तीनों युवक खुद ही कोतवाली पहुंच गए और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। बता दें कि मृतक हिस्ट्री शीटर मनीष उर्फ बाबू प्रवीण वाल्मीकि गैंग का शूटर रह चुका है, जिसका युवक के ही दो युवकों के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों युवकों ने एक अन्य साथी के साथ हिस्ट्री शीटर मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है और मृतक के परिवार की तरफ से तहरीर मिलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये चार दिन पहले प्रदीप के साथ थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी, उसके चक्कर में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो आज प्रदीप ने आके, विपिन बैनीवाल ने, टोनी ने आके घर पे फैसले की बात करी थी, 10,000 रुपये मंगे थे हमसे फैसले के लिए। हम राजी भी हो गए थे, मेरे पति का बर्थ था, बर्थ खोल के वो बच्चों की दवाई लेने के लिए गए थे, मैं छोटी लड़की की तबियत खराब होती, छोटे लड़के को घर छोड़ के गए थे वो लोग। नॉर्मल झगड़ा था बच्चों का आपसी कहा सुनी थी, थोड़ी के बीच में बड़ों ने फैसले की बात करी सर, बात हुई थी 10,000 रुपए के लिए हम तैयार भी हो गए। उन्होंने कहा था ठीक है कल मैं थाने में फैसला नामा दे दूंगा और इनका खोकर रास्ते में पड़ता है प्रदीप का और इसके बच्चे भी थे, बिपिन भी था, टोनी भी था, इन सब ने मिलके गोली मरवाई मेरे आदमी के। मेरा शेर था, शेर ऐसे नहीं मरने वाला था, चाल से मारा, चाल से गोली मारी। ये अभी देर शाम मनीष उर्फ बाबू एक व्यक्ति है, इसकी गोली मारकर हत्या की गई है और जैसा आप देख रहे हैं बॉडी यहाँ मोर्चरी में लाई गई है, दो गन शॉट अभी जो अपेरेंटली दिख रहे हैं, बाकी इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है, तो जैसी चीज़ें सामने आएंगी। सर क्या रंजिशन क्या है गोली मारी? प्रथम दृष्टिया तो रंजिश का ही लग रहा है, बाकी जैसे मैंने आपसे बताया क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत कम समय हुआ है तो इंक्वायरी इसमें जारी है। जैसा निकल के आया ये बताया गया कि इसके विरुद्ध कुछ पूर्व में अपराध दर्ज हुए हैं, इसके विरुद्ध अपराधी किसका इतिहास रहा है और ये भी रहा है कि ये जो आप बता रहे हैं जैसे कि प्रवीण वाल्मीकि का ये शूटर भी सर। तो हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर ये शूट आउट कैसे हुआ और किस तरह से युवकों ने अपने ही गैंग के दूसरे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हल्द्वानी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने चेकिंग के दौरान एक डंपर से 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की है। बता दें कि डंपर धारी से हल्द्वानी की तरफ आ रहा था, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब डंपर की तलाशी ली तो चालक परिचालक के पास से 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि यह चरस हल्द्वानी के फतेहपुर निवासी आनंद राउत को सप्लाई की जानी थी। मामले में पुलिस ने चालक परिचालक को गिरफ्तार कर डंपर को सीज कर दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
हल्द्वानी का एक पूरा मामला जहां पर डंपर से 2 किलो 700 ग्राम चरस मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। हालांकि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हल्द्वानी पुलिस और ADTF की टीम के द्वारा आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है नशे के खिलाफ। इसमें 2 किलो 710 ग्राम चरस पकड़ी गई है। ये 2 व्यक्तियों से बरामद हुई है। ये दोनों ही व्यक्ति धारी के रहने वाले हैं और नो एंट्री जोन में जब इनका डंपर गुजर रहा था उसी समय एक चेकिंग चल रही थी पुलिस की। मौके पे इन दोनों के पास से ये चरस बरामद हुई है। इनका ये कहना था कि ये यहाँ पे स्थानीय एक व्यक्ति आनंद सिंह रावत है जो कि फतेहपुर के रहने वाले हैं, उनको ये सप्लाई करनी थी। इसी बीच में पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया और इसको पकड़ लिया। ये जो आनंद सिंह रावत हैं इनको वांछित किया गया है। इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना में हिंदू और सिख शिक्षक की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की सरकार है ना कि कांग्रेस की, जो ये कहती थी कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती है और जिन लोगों के खून का एक कतरा भी बहा है उसका हिसाब मोदी सरकार चुन चुन कर लेगी और आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद से ही आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और उनका अंतिम समय नजदीक है। ऐसे में वो अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए शिक्षकों पर हमला कर रहे हैं और धर्म और जाति के आधार पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, जिसे देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और मोदी सरकार आतंकियों को उनकी भाषा में जरूर जवाब देगी। देखिए, लखीमपुर की जो घटना है वो दुखदायी तो है, लेकिन ये सब वो लोग बैठे हैं जो उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों ने जाति और धर्म देख करके जो मार रहे हैं, ये जो दीपक जब उसकी दिया में घी खत्म हो जाता है ना, जो वो तेज जलता है बहुत आखिरी में, तो इनका आखिरी समय चल रहा है आतंकवादियों का। ये बहुत, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, ये बहुत बड़ी हरकत इन्होंने की है। और इस ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मोदी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनका इस चीज़ का एक एक जो बेचारे शहीद हुए हैं उनका एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। और कश्मीर में ये सब जो चहारे हैं, ये विपक्ष के लोग जो बैठे हैं, कभी शाहीन बाग में बैठते हैं, कभी किसानों के नाम पर बैठते हैं, वो यही तो सोच रहे हैं कि शांति कैसे होने जा रही है इस देश में। शांति नहीं होनी चाहिए, तो ये सब इन्हीं के सब लोगों का चाल है, तो इसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम बहुत कष्ट है जो इस तरह मारे हैं। वो तो एक शिक्षक थे, प्रिंसिपल थी, एक महिला थी, जो धर्म देख करके मारा गया है, ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। इसकी दुनिया में भर्त्सना होती है, हम कर रहे हैं और हम तो भर्त्सना तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम बदला लेंगे। हम कांग्रेस की तरह हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बोल करके चुप रहने वाले नहीं है। हम तो इनकी औकात में रखने वाले लोग हैं, उनको रख देंगे। और ये जाते समय जब इनका देखिए, लखीमपुर की जो घटना है वो दुखदायी तो है, लेकिन ये सब वो लोग बैठे हैं जो उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों ने जाति और धर्म देख करके जो मार रहे हैं, ये जो दीपक जब उसकी दिया में घी खत्म हो जाता है ना, जो वो तेज जलता है बहुत आखिरी में, तो इनका आखिरी समय चल रहा है आतंकवादियों का। ये बहुत, मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ, ये बहुत बड़ी हरकत इन्होंने की है। और इस ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मोदी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनका इस चीज़ का एक एक जो बेचारे शहीद हुए हैं उनका एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। और कश्मीर में ये सब जो चहारे हैं, ये विपक्ष के लोग जो बैठे हैं, कभी शाहीन बाग में बैठते हैं, कभी किसानों के नाम पर बैठते हैं, वो यही तो सोच रहे हैं कि शांति कैसे होने जा रही है इस देश में। शांति नहीं होनी चाहिए, तो ये सब इन्हीं के सब लोगों का चाल है, तो इसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम बहुत कष्ट है जो इस तरह मारे हैं। वो तो एक शिक्षक थे, प्रिंसिपल थी, एक महिला थी, जो धर्म देख करके मारा गया है, ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। इसकी दुनिया में भर्त्सना होती है, हम कर रहे हैं और हम तो भर्त्सना तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम बदला लेंगे। हम कांग्रेस की तरह हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बोल करके चुप रहने वाले नहीं है। हम तो इनकी औकात में रखने वाले लोग हैं, उनको रख देंगे। और ये जाते समय जब इनका निपटारा हो रहा है, तो ये सोच रहे किसी तरह बच जाए, तो बचेंगे नहीं।
तो बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले पर और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कल शिक्षकों की हत्या कर दी गई, इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल केंद्र में बीजेपी सरकार है और मोदी सरकार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में कल दो शिक्षकों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन चौहान भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की, जो ये कहती है कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। जिन भी लोगों का खून बहा है उसका हिसाब मोदी सरकार चुन चुन कर लेगी और आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद से ही आतंक की बौखलाए हुए हैं और उनका अंतिम समय नजदीक है। ऐसे में वो अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए शिक्षकों पर हमला कर रहे हैं और धर्म और जाति के आधार पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, जिसे देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और मोदी सरकार आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।